उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 की तैयारी करने वाले बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं, उनके गार्जियंस भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अब परीक्षा योजना क्या होगी, कितने समय का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कहाँ परीक्षा देने जानी होगी और हम अपने मोबाइल पर कैसे परीक्षा दे सकते हैं। इन सभी का सल्यूशंस लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कक्षा 6 में जो पेपर होगा उसमें आपके 25 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए 30 मिनट निर्धारित है और इसमें कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, इसमें हिंदी के 5 और अंग्रेजी के 3, गणित के 8 और सामान्य विज्ञान के लगभग 9 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के ये आपके 25 प्रश्न होते हैं। पहले का पेपर क्या था और अब का पेपर क्या है, तो आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के पेपर के लिए। यहाँ पर मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। सबसे पहला खंड होगा हिंदी का, जिसमें 5 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए नोट है प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प वाले गोले को क्लिक करें, यानी उन्हें सही करने के लिए आपको क्लिक करना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी के वो 5 प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, सदाचार का संधि विच्छेद है सत प्लस आचार। तो इसका सही जवाब होगा यानी बी, सत प्लस आचार। दूसरा प्रश्न भी ग्रामर से है, एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या फिर प्रवचन। तो इसका सही जवाब होगा एक वचन, यानी आप यहां से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, यानी आपको ग्रामर की अच्छी पकड़ होनी चाहिए तभी आप 25 में 20 प्रश्न कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची है भूषण, अलंकार, नव, जेवर। तो आपको पता होगा कि जो आकाश है उसका पर्यायवाची होता है नव, यानी आपको यहाँ से पर्यायवाची ढेर सारी जो आपके कोर्स में हैं या जो अन्य ग्रामर की आप बुक लेकर के एक लिस्ट बना करके कम से कम 200 से 300 पर्यायवाची आप अवश्य याद कर लें। मुहावरे जरूर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मुहावरा है कान भरना, मुहावरे का अर्थ है चुगली करना, भाग जाना, सावधान होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। तो जो कान भरना होता है उसको बोलते हैं हम लोग चुगली करना, तो यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मुहावरों की भी लिस्ट ढेर सारी बुक में आपकी दी गई, उन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। अगला है, धर्म शब्द का तत्सम रूप है धर्म, ईमान, धर्मा, अधर। सही आंसर होगा धर्म, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें भी तत्सम शब्दों को याद रखना है और ढेर सारे तत्सम शब्दों की एक लिस्ट बना के रखनी है, जिससे परीक्षा में हम पास हो सकें। अगला खंड है खा अंग्रेजी के, इसमें प्रश्न आते हैं जो कि ग्रामर से संबंधित होते हैं। यहाँ से लगभग 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए देखते हैं वो 3 प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आया है अंग्रेजी के लिए, फिल एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। इसमें भरा जाएगा क्या, बाई, विद, एट या फिर ऑन। तो आपको याद रखना है कि घड़ी के लिए जो है टाइम के लिए यहाँ पर आता है आपका विद योर वॉच, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए इनकी मीनिंग निकाल करके उन्हें समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए वो लोग अंग्रेजी पर जरूर ध्यान दें। बिना अंग्रेजी पर आपके ध्यान दिए हुए आप इस परीक्षा में पास नहीं कर सकते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब, यानी वर्ब क्या भरा जाएगा, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, आर इज हैज
वेयर। तो यहाँ पर चूंकि न्यूज़ की स्पेलिंग NEWS होता है, लेकिन ये प्रयुक्त होता है एक वचन में, इसलिए यहाँ पर इज होगा, यानी यहाँ से हम ऑप्शन बी चॉइस कर लेंगे। अगला इंग्लिश से प्रश्न है, सिनोनिम ऑफ द एनुअल। तो एनुअल का जो है सही अर्थ क्या होगा, ऑलवेज, ईयरली, सेंचुरी या फिर डेली। चूंकि एनुअल माने होता है वार्षिक और ईयरली माने भी वार्षिक होता है, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें अंग्रेजी के जो भी ग्रामर है उसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करनी चाहिए, जिससे हम परीक्षा में थोड़ा आगे बढ़ सकें। अगला जो खंड होगा वो होगा गणित का, और गणित से जो है कम से कम 8 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं गणित में अब छोटे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे बच्चे कंप्यूटर पे बहुत आसानी से हल कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा गणित का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 98 का गुणनखंड नहीं है, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो 98 को विभक्त नहीं करती। देखिए 7 से कट जा रहा है, 14 से भी कट रहा है, और 49 दूना 98 होते, लेकिन 8 के ये टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, 88 × 8 / 8। तो सभी को पता है सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो 8 × 1 = 8 कर देंगे, तो 88 × 88 यानी यहाँ पर 88 है, तो यहाँ से आंसर आपका 88 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कुछ हमने सरल रखे हैं, जिससे आप इन प्रश्नों को कर सकें और नमूने के तौर पर समझ सकें आपका कैसा प्रश्न आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 3 से पूरी पूरी बट जाए, यानी 3 के पहाड़े में आ जाए। तो तिछा का 18, 3 × 7 = 21, यानी यहाँ पे 2 कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब अगर 19 में हम 2 जोड़ दें तो ये 21 हो जाएगी, और 21 होने से ये 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी भाग चली जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा। ये भी प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है कि 7, 0, 2, 0 से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा अंक लिखना है, उसके बाद उससे छोटा लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो इस हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा अंक है 7, उससे छोटा है 2, और सबसे छोटा है 0, 0 दो बार आया, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 66, 99 और 121 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, 66 के गुणनखंड लिख लेंगे, 2 × 3 × 11 होगा, उसके बाद 99 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 3 × 11, फिर उसके बाद 121 के गुणनखंड लिख लेंगे 11 × 11, और तीनों में कॉमन ले लेंगे, तो तीनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, वो 11 है, अतः इसका महत्तम समापवर्तक जो है वो 11 हो जाएगा, यानी यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। तो आप लोगों को इसके अलावा आपको लघुत्तम समापवर्तक भी देख लेना चाहिए, महत्तम या लघुत्तम से आपका एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ से लासा और मासा को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसे सावधानी से पढ़ना चाहिए, 4 कुर्सियों का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 मेजों का, अर्थात इसमें जो है प्रत्येक कुर्सी और प्रत्येक मेज का मूल्य बराबर होगा। तो एक कुर्सी का मूल्य 160 रुपये है, तो एक मेज का मूल्य क्या होगा, ऑब्वियसली इसका भी मूल्य 160 रुपये ही होगा, क्योंकि 4 कुर्सी और 4 मेजों का मूल्य बराबर है, अर्थात एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बराबर होगा। यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। एक कमरे का फर्श वर्गाकार है और उसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, इसकी दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो।
चूंकि ये जो कमरा है वो आपका वर्गाकार है, तो चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल आपको 25 वर्ग मीटर दिया गया, तो इससे एक जो भुजा आप निकाल लेंगे वो आ जाएगी 5 मीटर। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई 5 हो जाएगी और कमरे की ऊंचाई चूंकि 4 मीटर दी गई है, तो कमरे के जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आप इसमें रख कर के जब कैलकुलेशन करेंगे, चूंकि लंबाई और चौड़ाई 5 5 10 हो जाएगी और उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे, 4 है तो 10 चौक 40 और दूना कर देंगे तो 80, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 80 वर्ग मीटर जब हम क्षेत्रफल पढ़ाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें एक एक करके समझाएंगे और वहाँ पर निकाल के भी बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा रेखा गणित से है। यदि एक कोण की माप 40 डिग्री हो तो इसके शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होगा? क्योंकि जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, इसलिए वो भी 40 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अब अंतिम खंड है हमारा ग, जो है सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के प्रश्न आते हैं। इसमें आपके 9 प्रश्न रखे गए हैं, 9 प्रश्न आपसे भी वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन आते हैं जो हम सबको पढ़ने चाहिए। तो हमारा जीएस से प्रश्न है, पोरबंदर किस व्यक्ति से संबंधित है? महावीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है पोरबंदर गुजरात में हुआ था, तो इसका मतलब ये संबंध आपके महात्मा गांधी से, तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाबा आपटे, गौतम बुद्ध या फिर वेडन पावेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वेडन पावेल ने जो है स्काउटिंग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? रावी, गंगा, शिप्रा या फिर महानदी? तो नदियों पर, नदी के तटों पर बसे हुए नगरों को हमें जरूर याद रखना है, तो उज्जैन जो शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन विख्यात, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नेहरूजी, चित्तरंजन दास? तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नेहरूजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए इस प्रश्न को आपको अपनी एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट में इसे शुमार करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा साइंस से है और कई बार पूछा गया है, पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने से मात्रा बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की या फिर ऑक्सीजन की? तो जितने भी अधिक पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं, जब अपना भोजन बनाते हैं, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी अपनी आपको हेड लिस्ट में लगा के रखना है। अगला प्रश्न भी हमारा साइंस से है और कई बार पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर घेंघा? तो सभी को पता है विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, यानी इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो आपको विटामिनों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आपको रट लेना है और समझ लेना है कौन सा रोग किससे होता है और कौन कौन सी विटामिनें किस चीज़ से प्राप्त होती हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, तो आप विटामिनों से संबंधित प्रश्नों को जरूर अपनी सूची में सम्मिलित करें। अगला प्रश्न भी साइंस से है, कौन बीजों द्वारा अंकुरित नहीं होता? गुलाब, गेहूं, मटर या फिर धान? तो आपने देखा होगा गेहूं के भी बीज बोए जाते हैं, मटर के भी बीज बोए जाते हैं और धान के भी बीज बोए जाते हैं, लेकिन जो आपका गुलाब है इसकी जो है डालियां काट के लगाई जाती हैं, ये बीजों से अंकुरित नहीं होता, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न भी साइंस है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? ऑक्सीजन की उनके पास कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की कमी होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। तो आपको बता दूं, ये कीट भक्षी पौधे अक्सर दलदली जमीन पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ही ये कीटों का भक्षण करते हैं। ये क्लास फिफ्थ का ही क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी के कारण। अगला प्रश्न भी साइंस से है, सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, खुली आंखों से, बंद आंखों से, खगोलीय दूरदर्शी से, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण को जो है कभी भी खुली आंखों से देखना नहीं चाहिए, तो यहां से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये 25 प्रश्न जरूर समझ में आएंगे, ठीक इसी प्रकार से आपके प्रश्नों का मॉडल रहने वाला है। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हों तो कृपया वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने इष्ट मित्रों को कर दीजिए शेयर, और यदि पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आपको इस प्रकार की दिन प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती रहेंगी।